भाई ने लगा दी गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे और 90 की स्पीड भर दी, एवरेज भी बढ़िया घट गई गाड़ी और रास्ता भी सेफली कवर हो जाएगा। और ये देखो कितना प्यारा हाईवे आ रहा है और शायद पानीपत आ गया, मेरे ख्याल से पानीपत वाला फ्लाई ओवर है। और बाकी अपनी मोरनी देखो भीतर तय एक ले, मैं तुमने कहो ना क्या मजा आ रहा है। देखो मैंने 3 साल आगे चुकर कितना बार बूर में बैठा हूं मैं कलब कलब में, देखो देखियो यार लाइटिंग यार, ओहो मतलब कुछ फील नहीं आ रहा है। 3 साल आगे कितना लग्जरी कमरे में बैठे हैं तो हमने क्या दिक्कत है यार, बढ़िया चलन लग रहा। और ये देखो रोड कितना प्यारा, शिया शिया शिया। भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अंबाला, ये देखो। और भाई अब हमने सीधा जाना है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ शायद लेफ्ट था और मैं राइट हो गया ब्लॉक के चक्कर में। अब मेरे को वापस आना पड़ेगा घूम के, अब ये नहीं पता भाई कितना लंबा कट है क्या है। शिट यार, चलो कोई ना यार, थार तभी तो दिखाना पड़ा है जरूरी। चलो कोई ना भाई, मैं देख लो एक बार रास्ता उसके बाद बताता हूँ क्या सीन है। भाई रोड तो ढूंढ लिया मैंने गूगल मैप करा है, बाकी यार ये चंडीगढ़ सेक्टर में बांटती है, मैंने बेरा था उड़े तो हाईवे हाईवे लिखट जाते हैं बार बार, ये भी अब इतर सेक्टर मत लेकर जागी केबरा कित कित है। चलो कोई ना भाई के कर सका है, जाना तो है लोकेशन पे, काट देगी भी अपने आप जिसा रास्ता हुआ तो मैं बताता रहूँगा। भाई टाइम हो गया 2:08, इसमें तो 14:08 दिखाओ पर वो ये 2:08 होगी। और भाई चल रहे अपने सफर पे, बाकी यार शिमला तो थोड़ी ही दूर आड़े थे, मनाली तो फिर भी बहुत ज़्यादा दूर है। मैंने नेविगेशन में देखा सुबह 5-6 थी मैं पहुँच लूँगा, तो ज़्यादा बड़ा रास्ता ना। और खैर मैंने सुनी भी है, बाकी भाई मैं कदे भी आस्ती है ना उड़े नहीं गया कित शिमला, मतलब मनाली गया हूँ बहुत बार पर शिमला मैं पहली बार जान लग रहा हूँ, मैं कदे शिमला ना गया। तो चलो भाई बढ़िया है, अलग सफ़र करना चाहिए, हर बार एक जगह जाऊँ के फ़ायदा, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो शिमला रुकेंगे भाई, शिमला स्टे करेंगे, उसके बाद अपना नारकंडा जाऊंगे और भाई फिर उसके बाद जो और जगह आती चली जाऊंगी आगे की साइड उड़ा जाऊंगे। तो चलो ये हाईवे पा लिया ही, और साइड में हाईवे बस ही पचड़ना है और अपना रास्ता फिर क्लियर है साफ। रोड बहुत बढ़िया बना रखे भाई, सारे रोड कति मक्खन से देखियो। और भाई भूख लाग रही है मैंने, इतनी भी ना लाग रही कि हाँ भाई कति जो हद पार हो जा, पर नॉर्मली भूख लाग रही है। पर मैं नु सोचूं यार पहला चंडीगढ़ पार हो जा उसके बाद देखो चुका हूँ, ये टेंशन फ्री हो जाऊंगा मैं। तो चलो भाई इसने पार करके जब दिखाऊंगे ना, तो यार खाम खा 8-9 हज़ार रुपये की जड़ी जागी मेरे, बढ़िया ओरिजिनल फिल्म चढ़वा रखी है, कोई लोकल वोकल होती तो मैं सोचता चल कोई ना उतरण दे, बढ़िया फिल्म है, खाम खा नुकसान हो जाएगा। तो चलो भाई जा गए बस आड़े तक चंडीगढ़ लिगड़ते सीधा खाना खाऊंगे और फिर उड़े तक थोड़ी दूर है शिमला, शिमला स्टे। ये एक जगह रुक गया था टॉयलेट टॉयलेट करा था अपना, और भाई ठंड हो रही यार आड़े तो बहुत, क्योंकि चंडीगढ़ सॉरी शिमला आड़े तो 100 किलोमीटर रह गए, मैं चंडीगढ़ में हूँ मतलब पंचकुला तक गा लिया, पर आड़े वाकई में ठंड सी हो रही है। मैं टी शर्ट में हूँ यार, भीतर एसी चल रहा है, बाहर भी ठंड समझ में आ रही, पर एसी मैंने 24 पकड़ रखा है और गाड़ी बाहर का टेम्परेचर दिखाती 22, तो शिमला जल्दी पहुँच जाएंगे। चलो चलो बाकी इस रास्ते ना काट लो अपने,
भाई एक बार रुका हूँ पेट्रोल पंप पे, देखो और टाइम हो रहा है 15:21, यानी 3:14 और भाई शिमला 2-3 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में और मैं तेल गलवा लूँ। वैसे है तेल ही गाड़ी में बहुत है, 215 किलोमीटर चल जाएगी, पर मगैर क्यों रिस्क लेना काम का, पहाड़ा में ज़्यादा तेल खाया करे गाड़ी। बाकी भाई देखो जब मैं घर तक चला ना तो गाड़ी 300 कुछ दिखाओ थी तेल, बाकी तुम देख लियो पहला टाइम लैप्स में जो सबसे पहला टाइम लैप्स था, और उसके बाद या देखो इतनी दूर 300-400 किलोमीटर चल के भी आ गई अरे बच भी गया, क्योंकि मैं 90 पे मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया था अड़े ने और इतनी बड़ी एवरेज काट दी गाड़ी ने, नू मान लो आधी टंकी तेल था और भी देखो कितना बच रहा और आड़ा पहुँच भी गई। चलो भाई अपनी लाडो तो ओकला का तेल पिया दिया, कति फुल पेट भर दिया हैगा और चलो सीधा अपने रास्ते पे। यार बेराना के हो रहा है घर ताड़े तियालिया एक भी मच्छर नहीं लड़ा था गाड़ी में, अरे नरी देर होगी पाए मैं मच्छर लड़न लग रहे हैं, बेराना के आड़ा आगे पैदा हो गए गाड़ी में समझ में ना आ रहा भाई, वक्त मजाक नहीं सीरियसली, घर ताड़ा है ना एक भी मच्छर नहीं लड़ा, अरे मच्छर से लड़न लग गए के बेरा भाई क्या सीन है, मनी साला गांडे उड़ दिए थे दिल्ली पैदा आड़ागा हो गए अरे खून पीन लग रहे मेरा बढ़िया, और भाई खाने का ही वो कुछ नहीं मिला और सुबह के 4 बज लिए, मनी साला का कोई सीटीसी आओगी जब भी मिल लगा और ना भी मिल रहा कन्फर्म नहीं है, क्योंकि भाई बेरा हो पहला मार रहा हूँ तो भी रहे चलो भाई बेरा उड़ मिल लगा कोई दिक्कत ना, पर यार ईसा कुछ ना कि ले कभी मर जाएंगे नू तो यार मैं इतनी तगड़ी तगड़ी डाइट पर रह रहा हूँ पहला जब कुछ ना ईद के होगा, पर कोई ना चलो चलन लग रही भाई, रास्ता बढ़िया भाई रोड बहुत प्यारे बना रखे हैं, टोल टैक्स ले हुआ कोई दिक्कत ना है, पर भाई रोड ही से बना रखे है वाकई में मजेदार, मतलब ऐसा लग गया जो अपना नॉर्मल हाईवे हो ना, देखो ये देखो भाई रोड देखो, मतलब अपना जो नॉर्मल हाईवे हो ना उस तो भी बढ़िया रोड बना रखे है, मजा आ गया भाई। भाई ठंड हो रही है एक नंबर की, मतलब जिस अपने उड़ा जब होया करे ना जब मीठे मीठे जाडे आने लग जा और सुबह खेत के अन घूम का उन्होंने ऐसा फील होने लग रहा है, देखो सुनसान रोड, और भाई ढाबे पे रुक गया मैं ये देखो ये जो बताऊं था, बाकी भाई खाली पेट था कति कुछ नहीं खा रहा था, यो भाई मेरे तन बोला भैया मैं इस तब पूछू था मगा भाई खाना कहाँ मिलेगा, तो यो बोला भाई खाना शिमला मिल लगा, वेज खाओगे या नॉन वेज, मगा वेज, फिर बोला भाई कैसा खाओगे, तो गाड़ी देख के इन्होंने सोची था भाई आई फाई खाना मांगा, बोला भैया वो तो हमारे पास नहीं मिले, हम आपके पास क्या है, बोला सिंपल थाली रोटी दाल ये, अरे मगा सिंपल है खाना भाई नाम ने इतना वो हाई लेवल के स्टार नाम, जित मिल जा रोटी खानी यार पेट भरना और जितना हल्का खाना खाऊंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि इंदौर में मिल लगा ताजी और बढ़िया खाना जैसे कि दाल रोटी तो बेस्ट है अपने लिए, आड़ा खाना खाओ पेट भी भर जाएगा, क्योंकि भाई खाली पेट हूँ और उड़ा जा के मेरा मिलना ना मिलना सो बात अपने खा खू का आड़े थे चलो, ये भी एक दिखा मुश्किल है पानी लेन उतरा था मैं दोरा मंगा ले पानी लिया हूँ, फिर ये बोला हो जाएगा खाना मंगा, चलो बढ़िया बात हो जाएगा था, तो चलो भाई खाना खा ले मैं और उसके बाद सीधा चलते हैं आड़े, तो बस इतना एक घंटे का रास्ता रहेगा शिमला का चलो, और भाई मेरी डार्लिंग पी आई तेल ये तो उड़ा प्या दी थी फुल टंकी है, देखो रेत की होगी पर इसको जाके करवा देंगे साफ, बाकी भाई थोड़ी इसने भी शांति मिल जाएगी बेचारी सारी रात की चल रही है, इंजन सीढ़ा हो जाएगा थोड़ा, और गाड़ी देखो थरा भाई जेड ब्लैक लिया है आड़े थी और आगे भी सारे का जेड ब्लैक अंडाऊंगे इसने, ये भाई अपनी रोटी बनती हुई बढ़िया मजा आ गया, ये तो घर जैसी बात होगी ताजा ताजा आना खाओ, वो धरा भाई मारी सब्जी सुब्जी कर ली इधर ही, वैसे एक बार रेडी हो जाओ खाना भाई ना आड़े बिठा दिया मैं, बाकी बैठन का है उड़ा है उस साइड यो रहा, पर भाई नोला यहीं खा लियो गर्मा गर्म, तो बढ़िया यार घर जैसा काम हो गया अपना, चलो
रोटी रेडी होगी मेरी, मैं खा लूँ भाई, उसके बाद बात करते हैं घर। आ जाओ। जय श्री राम भाई, सारे भाइया ने गुड मॉर्निंग। और भाई देखा भाई सुबह का व्यू, ये देखो पहाड़ों के पहाड़ हमारे सामने। और भाई सुबह के बज के 5:30, तो जल्दी ये दिन निकल गया वैसे, ना तो पहाड़ हमें निकल ना तो लेट चाहिए। बाकी भाई मेरे ख्याल था आड़ा भी वो जाडे गर्मी वाला हिसाब है। और बाकी भाई बाहर चिड़िया के चहचान की आवाज आने लग रही है, यो ये संदेशा हुआ कि हाँ सुबह होगी, एक जो प्यारी सी सुबह होया करे ना उसकी एक मैक सी आया करे, एक आवाज सी या चिड़िया की। देखो शायद या तुमने भाई सुने को नहीं क्योंकि हवा चल रही है बाहर, तो इस वजह से। बाकी भाई मौसम बहुत प्यारा हो रहा बाहर का और व्यू बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो भाई, किसे लागे ड्रोन शॉट कमेंट करके बतियो। बाकी ज्यादा खास ना अमन ने भी बेरा भाई, पर कोई दिक्कत वाली बात ना, धीरे धीरे प्रोफेशनल हो जाएंगे हम भी। तो जिसा उन लग रहा भाई रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ना है। बाकी आगे चाल को और बढ़िया तरिया उड़ाऊंगे आड़ा भाई। एक तेन उठाई भाई पहुंचना भी है मका, एक के बैटरी यूज करी थी मैंने, फिर बैटरी खत्म हो गई थी, तो आगे चाल के बढ़िया तरिया उड़ाऊंगे, बढ़िया बढ़िया शॉट लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना, अपना ही ड्रोन है। और भाई फिलहाल मैं पहुंच लिया मन्ने ना मेरा कित, पर नू है 15-20 मिनट का रास्ता रहेगा शिमला का, तो फटाफट पहुंचते भाई और होटल ले गए, फिर मिलते हैं। भाई कमरा अपना देख लिया और थोड़ी देर में कमरे में जाकर दिखाऊंगा, बाकी सामान वामान रख लिया अपना जो भी है, मतलब सामान जो ले रहा हूँ मैं अपना लगेज, तो सारा रूम में शिफ्ट कर दे वो सास से चढ़ गया, उसके बाद दिखाऊंगा मैं तुमने रूम। पर रूम ऐसा लिया है ना जाने कैसा, कैसा रूम भैया, कैसा रूम है? बढ़िया सर, इसमें के शिमला का चारों साइड का व्यू दिख, इससे बढ़िया कमरा शिमला में है कोई नहीं है सर, शिमला में सबसे बढ़िया भाई कमरा ऐसा लिया, ऐसा कमरा ही नहीं कितना, वाकई मन ने भी पसंद आ गया। देखो ऐसा पा भी सके, और बहुत महंगे महंगे होटल है डबल, पर हाँ पर ऐसा व्यू ना मिल रहा है, और मन ने तो भाई पहली बारी देखते कमरा पसंद आ गया। तो चलो भाई फटाफटी अपना सामान टार लावे और उसमें रख दे। भाई एक दिक्कत है बस इस होटल में, पार्किंग को नहीं, पार्किंग हम प्राइवेट आड़ा है रुपया में खड़ी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। सास चढ़ गए